अभी हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल। हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है। तो अगर ये कह दें कि राइट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम जो है बैक्टीरियल सेल का ही डायग्राम बनाएंगे। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। देखें देखें। तो ये डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है, आप लोगों को 5-6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, जैसा कि हम देख रहे हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो सेल वॉल होने की वजह से बैक्टीरिया को प्लांट सेल के ज्यादा फैमिलियर माना जाता है। इट मींस बैक्टीरियल सेल इज मोर फैमिलियर विद द प्लांट सेल। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं यहां पर, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया एंड फ्लैजिला है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीलिया एंड फ्लैजिला। इसमें हम देख रहे हैं सारे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हैं, केवल एक ही एब्सेंट है, राइबोसोम। तो राइबोसोम इज 70S टाइप फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पर राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो 70S राइबोसोम यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। 70S राइबोसोम। फोर्थ हम देखें, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन की बनी होती है। तो हम देखें, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, MURIENE, म्यूरिन की बनी है। फिफ्थ पॉइंट देखें, स्टोर्ड फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड लिपिड। हम देख रहे हैं ये ग्लाइकोजन एंड लिपिड, स्टोर फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड लिपिड, स्टोर फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन लिपिड, ग्लाइकोजन लिपिड इज स्टोर्ड फूड मटेरियल। बैक्टीरिया का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है
वो ग्लाइकोजन एंड लिपिड होता है। अब हम देखते हैं सिक्स पॉइंट में तो हमने देखा यहाँ ग्लाइकोजन एंड लिपिड इज ए स्टोर फूड मटेरियल। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल कैसा है, फ्री फॉर्म। देखें ये जेनेटिक मटेरियल कहीं पर भी घूमता रहता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है दो तरीके का है, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसे कहते हैं प्लाज्मिड, एंड सेकेंड इज मेन। ये क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये है प्लाज्मिड। तो दोनों में डिफरेंस समझे, प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसे बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। अगर ये सेल के अंदर नहीं भी होगा तो बैक्टीरियल सेल जो है डीनेचर्ड या किल या मरेगी नहीं। तो बैक्टीरियल सेल की सारी एक्टिविटी जो कंट्रोल होती है वो मेन जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होती है। तो हम यहां कह सकते हैं सिक्स पॉइंट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज प्लाज्मिड। तो अभी हमने इसके देखा प्लाज्मिड ये है और मेन ये है। तो प्लाज्मिड जो है सेल के अंदर घूमता रहता है और प्लाज्मिड का काम रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है और बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। लेकिन जितनी भी इसकी एक्टिविटीज हैं वो सब मेन जेनेटिक मटेरियल के जरिए कंट्रोल होती हैं। अगर मेन हमने बाहर निकाल लिया तो बैक्टीरियल सेल मर जाएगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया में हो जाता है। तो बैक्टीरिया कैन परफॉर्म सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेवेंथ पॉइंट जो है हमारा ये भी आ गया। इसके बाद हम देखें एट्थ पॉइंट, देखें कॉमन रिप्रोडक्शन हो गया सेक्सुअल। सेवेंथ पॉइंट में हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम एट्थ पॉइंट देखें कि बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए यानी रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, सो दे परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पायरेशन। बैक्टीरिया परफॉर्म एट पॉइंट एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो हमने अभी यहां पर एट पॉइंट देखे। नाइन्थ पॉइंट में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक एंड दे कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिसीज लाइक ऐसे टीबी, निमोनिया, प्लेग, कॉलरा, ये सब जो है बैक्टीरियल डिसीज हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो दे आर पैथोजेनिक। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो हार्मलेस बैक्टीरिया भी है जो हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे हम देखें लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड में मिलता है और हमें किसी तरीके का भी कोई नुकसान नहीं करता और वो हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, हेल्पफुल फॉर डाइजेशन। तो अभी हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में यहां पर जाना।